बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान के तमाम चैनल पर खबर जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान पर कातिलाना हमला, मौलाना फजलुर रहमान कातिलाना हमले बाल बाल बच गए। तो नाज़रीन इकराम, असल हकीकत तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान पर कोई हमला हुआ ही नहीं। ये हमला पुलिस के मुताबिक उनकी गाड़ी जाकर पेट्रोल डलवाने के लिए गई थी, वहाँ पर हुआ था, पर मौलाना फजलुर रहमान वहाँ गाड़ी में मौजूद नहीं थे। तो अगर वो गाड़ी में मौजूद नहीं थे तो फिर मौलाना फजलुर रहमान पर हमला कैसे हुआ? जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमान ने दावा किया है कि पार्टी के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर कातिलाना हमला हुआ है। ताहम डी जी आई खान, जबकि डी आई खान की पुलिस के सरबराह के मुताबिक फायरिंग मौलाना के काफिले पर नहीं बल्कि टूल प्लाजा पर हुई। जे एच वाई के तर्जमान की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि मौलाना के काफिले पर डी आई खान के यार्क इंटरचेंज के करीब फायरिंग की गई। तर्जमान का कहना था कि काफिले पर दो तरफ से फायरिंग की गई जिसमें मौलाना फजलुर रहमान महफूज रहे। ताहम रीजनल पुलिस अफ़ीसर कबाह का जो रीजनल पुलिस अफ़ीसर है उसका कहना था नासर महमूद सत्ती का कि फायरिंग मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर फायरिंग का कॉन्सेप्ट भी गलत है। इनका कहना था कि फायरिंग यार्क इंटरचेंज टूल प्लाजा के ऊपर की गई जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान की गाड़ी पेट्रोल भरवाने के लिए रुकी थी। नासर महमूद सत्ती का मजीद कहना था कि पुलिस वाक़े की मज़ीद तहकीकत कर रही है। वाकी सेक्रेटरी दाहला ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानब डेरा इस्माइल खान पुलिस की जानब से बयान भी जारी कर दिया गया। उनका कहना है कि इतवार को नामालूम अस्करियत पसंदों ने सी पैक रूट पर वाक़ा टूल प्लाजा पर हमला किया था। पुलिस हकाम का कहना है कि कुछ देर तक जारी रहने वाले इस हमले को नाकाम बना दिया गया था। मुसल्ला हमलावर फरार होने में कामयाब हो गए। हमले में कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानब से जे यू आई के एक बयान में असलम गोरी का कहना था कि हम बारहा मुतनबा कर चुके हैं कि हमारी क्यादत के लिए हादगार साजगार नहीं है। इंतजामिया आयरो थ्रेट्स के हवाले से लेटर लिखती है लेकिन अमलन कोई कदम नहीं उठाती। उनका मजीद कहना था कि केपी और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही। ख्याल रहे जे यू आई अमन अमान की ख़राब सूरत हाल के बायस केपी और बलोचिस्तान में आम इंतबात के इनकार को मुश्किल करार देती है। गुज़श्ता जुमेरात को भी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि इस वक्त मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। अगर मेरा कोई एक कारकुन भी जख्मी या शहीद हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन कैसे आजाद हुआ? इलेक्शन का माहौल मांगना मेरा हक है, ऐसी बात करना मेरा हक है। मैं बात करता हूँ और कहता हूँ कि इलेक्शन की मुखालफत नहीं करता। क्या हम इस सूरत हाल पर बात भी ना करें कि इलेक्शन का माहौल तो दिया जाए? उनका कहना था कि दो सूबों में बदअमनी का माहौल है। हमने हमेशा कहा इलेक्शन में यकसा और पुरअमन माहौल होना चाहिए। बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान की तमाम बातों का लुबे लुबाव, वो काफ़ी देर से लगातार ऐसे बयान जारी कर रहे हैं कि इलेक्शन ना कराया जाए। उनका कहना है कि माहौल ठीक नहीं है, ये एक बहाना बनाया जा रहा है। क्या सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान के लिए ही माहौल ठीक नहीं है? तो वैसे ही मौलाना फजलुर रहमान के तो वो ये दहशतगर्द जो लोग हैं सब तो उन लोगों के साथ ही हैं, ये तो हमेशा उनकी हिमायत करते हैं। फिर उन लोगों को बोला उस दहशतगर्द तंजीमों से क्या थ्रेट है? थ्रेट तो होगा उन तंजीमों को जो उन जमातों को जो कि बाएं बाजू की जमाती हैं जो उनकी मुखालफत करती है जैसे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी है, उसको थ्रेट हो सकता है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को कैसा थ्रेट उन लोगों से? और मौलाना फजलुर रहमान तो उनके हामी हैं, उन्हीं की जमात के लोग जहाद करते रहे हैं। मरा मौलाना फजलुर रहमान पर
कोई कैसे और क्यों हमला करेगा। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ एक हथकंडे हैं जो कि मौलाना फजल उरहमान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये हमला हुआ ही नहीं और ये सिर्फ मौलाना फजल उरहमान जो अपनी बात कह रहे थे उस बात पे जोर देने के लिए, उस बात को थोड़ा सा अपग्रेड करने के लिए ये एक ड्रामा चलाया गया है, चंद चैनल्स पर ये खबरें चलाई गई हैं, जबकि पुलिस का कहना भी उनके मुताबिक है, पुलिस भी मुख्तलिफ बयान दे रही है। तो लिहाजा मैं फिर सोचता चाहिए कि क्या ये कहीं इलेक्शन को मुलतवी कराने के हथकंडे तो नहीं है। और मौलाना फजल उरहमान के इसका जो सख्त बयान हैं, जो इन बातों से यही वाजिया होता है, यही साबित होता है कि वो इलेक्शन नहीं चाहते। अभी अगर वो इलेक्शन नहीं चाहते तो सीधा सीधा अपने बड़े बू से कहें ना, क्या वो पाकिस्तान में भी इलेक्शन नहीं चाहिए? ये इस तरह के बहाने बनाने की और दो नितने बहाने जोड़ने की क्या ज़रूरत है? हम तो दुआ कह कि अल्लाह पूरे पाकिस्तान के लोगों को इन चीज़ों से महफूज रखे, इन हमलों से महफूज रखे। मौलाना फजल उरहमान को अगर वाकई कोई थ्रेट है तो उसका सदबा भी करना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर ये बहाने करके इलेक्शन मुलतवी करने की ये तरकीबें हैं जो ये इस्तेमाल करने से उनको मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासर और अल्लाह मौलाना फजल उरहमान को महफूज रखे और तमाम हमला अवरों को उनकी पहुँच से दूर रखे। आमीन।